सलाम बाबा। लौट आए? मुझे मरियो से मिलना है। अब उनका ठिकाना कहाँ है? मर्री साहब के इंतकाल के बाद इन चार दीवारों से बाहर कभी निकला ही नहीं। तो अब बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई किसके काबिल कंधों पर है? उसके लिए तुम्हें मदीना बेकरी जाना होगा। चार शीरमल और गोश्त का सालन मांग दे दो प्लीज। प्लीज? यहाँ के नहीं लगते हो? कहाँ से? वतन तो यहीं का है, लेकिन अब मैं दुबई का हो गया। वापसी की वजह? काम। कॉन्ट्रैक्टिंग के बिजनेस में बलूचिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा है। वहां मुल्क की याद नहीं आती है? मुल्क छोड़ना कौन चाहता है भाई, पर यहाँ रहना मतलब अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा करना। ना आजादी है ना कोई जायज हक। बशीर मरी साहब के जाने के बाद जंग भी खत्म हो गई और आजाद मुल्क का सपना भी। जंग तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक हमें पाकिस्तान से आजादी नहीं मिल जाती। बस हमें बहादुरों की जरूरत, तुम जैसे भगोड़ों की नहीं। नाबालिग बच्चे की सलारी में लड़ने से अच्छा तो भागना ही है। सुना है कि बीएएफ का नया रहनुमा कोई कमसिन लड़का है। हम पैदाइशी लड़ाके हैं और हमें फक्र है कि आप सबका भरोसा हम और हमारे मरहूम अब्बा की नीयत और इरादों पर कायम है। आपके अब्बा ने सबके लिए शहादत दी, हम आपके साथ हैं और आपके मंसूबों के लिए हर कुछ कर गुजराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बस शिकस्त को अपने ज़हनों दिल से खेलने मत देना। बाखुदा बाखुदा एक दिन हम अपनी जमीन पर वापस फतह करेंगे। इंशाल्लाह।